हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज सोल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा अच्छे एनिमे के बारे में जो काफ़ी फेमस था और अभी जस्ट ख़त्म हुआ है और जिसको अवार्ड मिला था एनिमे ऑफ द ईयर का। मैं बात कर रहा हूँ जुजुत्सु काइजन की। तो जुजुत्सु काइजन एंड हो चुका है 24 एपिसोड के साथ में और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनिमे मैं कहूँगा इसको। हाँ, ये मैं पहले 30 सेकंड के अंदर बोल रहा हूँ, रिव्यू बाकी है, वेट करें। तो जुजुत्सु काइजन का लिटरल मीनिंग बनता है सॉसरी फाइट इंग्लिश में। इसको लिखा था गेगे अकातामी ने और उसका ओरिजिनल रन था 28 अप्रैल से लेके 28 जुलाई 2017 तक। फिर इसका नेक्स्ट मांगा आया था 2018 से लेके, ये अभी तक चल रहा है, मार्च में आया था ये। फिर इसका डायरेक्ट एनिमे सीरीज बनी है, इतना पॉपुलर हुआ था ये। वीकली शोनन जंप में पब्लिश हो रहा था, सो काफ़ी बड़ी चीज़ थी ये। और इसका फर्स्ट जो मांगा निकला था वो जंप कॉमिक्स में निकला था, जो मैंने बताया था कि एक वॉल्यूम है। इसका जॉनर है एडवेंचर, डार्क फैंटेसी और सुपर नेचुरल। ये काफ़ी ज़्यादा रेयर एनिमे में से एक है जो इतने अच्छे तरीके से एक्शन सीन्स को दिखाता है, मार्शल आर्ट्स को, और जो डार्क फैंटेसी जॉनर है उसको जस्टिफाई करता है। इसका एनिमे स्टार्ट हुआ था 3 अक्टूबर 2020 में और अभी ख़त्म हुआ है 27 मार्च 2021 में, यानी कि कल रात को। इसका एनिमे का स्टूडियो था मापा, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है अपने एनिमेशंस के लिए। इसमें हाजिमे ईपो राइजिंग यानी थर्ड सीजन, रेज ऑफ बहामुत जेनेसिस जो मेरा फेवरेट एनिमे में से एक है एनिमेशन वाइज, हुशियो ऑन टोरा जिसका मैंने रिव्यू अभी जस्ट बनाया था कुछ दिन पहले, यूरी ऑन आइस, रेज ऑफ बहामुत वर्जिन सोल, ज़ॉम्बीलैंड सागा, टोरोरो, वन पंच मैन सीजन 2, अटैक ऑन टाइटन सीजन 4। इन्होंने सारे अच्छे अच्छे एनिमे क्रिएट कर रखे हैं और इस एनिमेशन की वजह से ही जुजुत्सु काइजन को रिकग्निशन मिला था सबसे पहले एपिसोड के जस्ट बाद कि इसके एनिमेशन कितने ज़्यादा अच्छे हैं, और ये वायरल हो गया था फर्स्ट एपिसोड के बाद ही। और कुछ हद तक मैं इसके डायरेक्टर को भी इसका पार्ट मानता हूँ, सुंगहो पार्क, इन्होंने डायरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी करी थी। काफ़ी सारे और भी एनिमेशन के डायरेक्टर रह चुके हैं काफ़ी सारे एपिसोड्स के, लाइक गॉड ऑफ हाई स्कूल में भी इन्होंने डायरेक्शन दी थी काफ़ी सारे एपिसोड्स में, ऑलमोस्ट सब में कि एनिमेटर और एनिमेशन डायरेक्टर और स्टोरी बोर्ड थे ये उसमें। ज़ॉम्बीलैंड सागा में भी थे, ब्लेड एंड सोल में की एनिमेशन थे, स्टोरी बोर्ड में भी थे, तो डायरेक्शन के बारे में काफ़ी अच्छे से इन्होंने वो कर रखा है। सो अब सिनॉप्सिस, सेटिंग्स और प्लॉट की बात करते हैं। जुजुत्सु काइजन एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर बेस्ड एनिमे है जहाँ पे स्पिरिट्स, कर्स ऑब्जेक्ट्स और उनका एग्जीक्यूशन करने वाले लोग रहते हैं। कर्स स्पिरिट ऐसे मॉन्स्टर्स होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी से क्रिएट होते हैं जहाँ तक मेरे को लगता है, और उन स्पिरिट्स को मारने के लिए जो सॉर्सरर्स होते हैं जिनका लिटरल मीनिंग होता है कर्स टेक्निक मास्टर्स, शामन्स जो अलग अलग रैंक के होते हैं और इनके लिए एक स्पेशल स्कूल भी है। सो हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है योजी इतादोरी, वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है काफ़ी सारे शोनन एनिमे की तरह। वो अपने ग्रैंडपा के साथ में रहता है और वो अपने आदर्शों सिद्धांतों पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करता है। आई थिंक उसके ग्रैंडपा ने उसको सिखाया था इन चीज़ों के बारे में, और उसके ग्रैंडफादर की लास्ट विश यही थी कि ऑलवेज हेल्प पीपल एंड डाई सराउंडिंग बाय पीपल, यानी अगर आप किसी की मदद करोगे तो मरते टाइम वो लोग आपके साथ रहेंगे हमेशा। तो ये बोलने के बाद में उसके दादा की डेथ हो जाती है, और इसके बाद में फर्स्ट एपिसोड में फर्स्ट फाइट दिखाई जाती है स्पिरिट्स की और हमारे हीरो की। वहाँ पे उसको पता नहीं होता है कि एक तो ये समझ नहीं आया कि उस बंदे को डर कैसे नहीं लग सकता कि इतनी खतरनाक और स्पिरिट उसके स्कूल में होती है और वो एक शोनन कैरेक्टर की तरह जस्ट मारने चले जाता है उसको, ये नहीं सोचता कि भाई ये तो इतना बड़ा मॉन्स्टर है। सो फाइट होती है और उसके बाद उसको कुछ स्पेशल पावर्स मिलती है फर्स्ट एपिसोड में। स्पेशल पावर किससे मिलती है? एक कर्स ऑब्जेक्ट से। कर्स ऑब्जेक्ट होता है हमारा जो मेन इसमें जो विलन होने वाला है सकूना। सो सकूना एक ऐसा मॉन्स्टर था जो सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता था पूरे वर्ल्ड में, और उसकी डेथ के बाद उसकी फिंगर्स को अलग अलग जगह पे छुपा दिया गया था या फिर बांट दिया गया था, मेरे को याद नहीं। और वो कर्स ऑब्जेक्ट इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि कोई भी उसको अगर कंज्यूम कर ले तो उसकी इंस्टेंट डेथ हो जाती है, बट हर शोनन की तरह इसमें हमारा हीरो उसको खा जाता है और उसको मिलती है स्पेशल पावर। सकूना की सोल उसके अंदर आ जाती है और वो इंस्टेंटली उस मॉन्स्टर को मार देता है जिससे वो फाइट कर रहा था।
उसके बाद में जिस एकेडमी की मैंने मैंने बात करा सॉर्सरर्स एकेडमी, वहाँ का एक टीचर आ जाता है और वो उसको हरा देता है, इवन दो वो सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स में से एक था, क्योंकि उसकी सारी फिंगर्स मतलब उसकी सारी पावर उसके पास नहीं होती, सकूना के पास नहीं होती। सकूना का मेन ऑब्जेक्टिव है कि उसको सारी फिंगर्स ऑब्जेक्ट्स यानी उसकी सारी फिंगर्स उसको कलेक्ट करनी है और अपने आप को पावरफुल बना के डोमिनेट करना है हमारे हीरो की बॉडी को, यानी इतादोरी को, इतादोरी की सोल को ट्रैप करके वो उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लेगा अपने प्रॉफिट के लिए, वर्ल्ड डोमिनेशन या जो भी उसका वो है इंटेंशन है। सो स्टोरी वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी सारे एनिमीज की याद दिला रहा है। सो नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ते हैं, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स काफ़ी डेप्थ में बनाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं इसमें। जैसे मैंने टीचर बताया, इसके दो साथ में फ्रेंड्स हैं, स्कूल की अलग से टीम है, एक अलग अलग ईयर की टीम होती है, 3-4 स्टूडेंट होते हैं हर ईयर में। काफ़ी अच्छा था हेडमास्टर, इन्होंने स्कूल का दिखाया हुआ अच्छा, काफ़ी पावरफुल है, लेकिन इसका जो टीचर होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। सो बाकी स्टूडेंट्स और टीचर्स के नाम बता देता हूँ। उसमें उसके ग्रुप में एक लड़की है जिसका नाम है पुशिगुरो मेगुमी, फिर है उसके साथ में नोबरा कागिसाकी, माकिजिन, पांडा, इनुमाकी। फैकल्टी में है सातरो गोजो, केंटो नामी, नानामी, और प्रिंसिपल है माशिची यागा। सो जो मेन टीचर है सातुरो, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है, और इसमें इस बंदे ने ऑलमोस्ट काकाशी की याद दिला दी है नरोटो वाली सीरीज से। इसमें ये अपनी आंखें कवर करके रखता है और जब ये हटाता है तो इसकी काफ़ी ज़्यादा सुंदर आंखें दिखती हैं, ब्लू कलर की, जो कि पावरफुल होती हैं काफ़ी ज़्यादा। इसमें मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा कि पावर क्या होती है उसकी। सो या ये प्लॉट और कैरेक्टर्स है। और अब बात करते हैं कि एनिमे कैसा था। एनिमे काफ़ी अच्छा था, 24 एपिसोड के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज दिखा दी सिंगल सिंगल कैरेक्टर की, और एक एक ऐसी चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि जो कर्स ऑब्जेक्ट हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट इतादोरी कंज्यूम कर चुका है, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि सारे जितने भी इवल लोग हैं वो उस चीज़ को चाहते हैं कंज्यूम करना और सबसे ज़्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं। लेकिन सकुना का खुद का एक ब्रेन है जो इतना ईविल है कि वो जो दूसरे ईविल लोग हैं वो खुद उनको मारना चाहता है सिंपली फन के लिए, और वो किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं करना चाहता। तो इसमें दो तीन मेन अभी दिखा रखे हैं विलन्स, और मेरे को लग रहा है मेन विलन लास्ट में सकुना खुद ही होने वाला है, पता नहीं। इसकी एक एनिमे मूवी भी अनाउंस हो चुकी है, जीरो, जो मे बी लास्ट में रिलीज होगी इस ईयर के, पक्का नहीं है। एंडिंग इन्होंने काफ़ी स्लो पेस में करी थी, बीच में मेन फाइट हुई, फिर कुछ एपिसोड चले, फिर एक और फाइट हुई, फिर कुछ एपिसोड चले, फिर लास्ट में फ़ाइट हुई जो मेजर फाइट में से नहीं है। अच्छी फाइट थी लेकिन मेजर फाइट नहीं थी। तो इन्होंने स्टोरी कंटिन्यू रखी है और काफ़ी ज़्यादा इसमें फाइट सीन है तो आपको इंजॉय ज़रूर होगा। डीमन स्लेयर की तरह ये एनिमे भी एक्शन बेस ज़्यादा है और स्टोरी बेस कम है। सिंपल स्टोरी है, अच्छी है और एक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें मेन फोकस यही है, शोनन सीरीज है इसीलिए। सो दैट्स इट गाइज, दैट वॉज माई फाइनल रिव्यू फॉर जुजुत्सु कायसन सीजन 1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं और भी एनिमे का भी रिव्यू करूँगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो आए तो आपको पता चल सके कि किस बारे में वीडियो आई है। और अभी इस वीक मैंने और एनिमे रिव्यू करे हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।